अजय जी जी जय जी, जमशेदपुर से एक खबर आ रही है, सोनारी थाना क्षेत्र के थाना पुलिस वालों को पब्लिक कुछ बहस हो रही है, क्या क्या मामला है? जी जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, सुनारी थाना क्षेत्र का ये मामला है आपका, निर्मल नगर M2 रोड में एक मट्टी का मकान है, जो मकान जो है कल दीवार जो है उसका गिर गया है, जिसके वजह से लोगों वहां के लोगों ने जिनका घर पे गया है उन लोगों ने आक्रोश दिखाया है, बोला हम लोगों ने पहले भी शिकायत सब जगह दे रखा है और हम लोगों को सुनवाई नहीं हो रहा है, पड़ोस में किसी ने मकान बनाया है उनके मकान से सटा करके बिल्कुल, और इनका मट्टी का मकान है और उनके कारण इनका मट्टी का मकान जो है दीवार जो वॉल गिर गया है, ये लोग बोले हम लोग बच भी गए हैं नहीं तो हम लोग दब जाते हैं, इस मामले को लेकर हम लोग सूचना पहले भी दे रखा था मगर कोई सुनवाई नहीं हो रहा, कल PCR सुनारी को लोगों ने फोन किया था, वहां पहुंची तो पुलिस के ऊपर लोग नाराज हो गए, आप लोग कुछ नहीं करते हैं और वो हंगामा होने लगा, उसके बाद जो वहाँ के लोगों ने अपने अपने घर को मकान को भी दिखाया पुलिस को, पुलिस से भी जब हमने बात किया उनका कहना है ये इन लोगों ने जो आवेदन सब जगह हमने कहा पूछा, जब आवेदन दिया है लोगों ने तो पुलिस का कहना है हमें तो जानकारी नहीं है, ये लोग थाना में आके जैसा भी लिख के देंगे कंप्लेंट करेंगे तो कार्रवाई होगी, अगर थाना से लोगों ने जनता कहना नहीं करवाया तो कोर्ट भी खुला है, कोर्ट भी जा सकते हैं ये लोग, वहीं हमने जो घर के मालिक है उनसे जब बात किया उनका कहना हम लोग हमेशा बोलते हैं पड़ोस में ही हमारे घर सटा के बना लिए हैं, मानते नहीं है और हम लोग उन लोगों कारण हम लोग का नुकसान हो रहा है, तो इसको प्रशासन देखे, हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग का घर टूट रहा है, ये मामला आया है सामने। जी जी धन्यवाद जय जी, खबर के लिए बने रहिए जमशेदपुर से सोना न्यूज के लिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ शुभ नाम हुआ गणेश दास, मैं पेड़ है, ये सुनारी क्षेत्र है, सुनारी कागल नगर जमशेदपुर MP रोड, यहाँ का रहने वाला हूँ, इसमें एक्चुअली जो भी है कि इसमें लीगली कोई भी है राजनीतिक का दल, इसमें जो भी है कब्जा प्लस जो भी है कि थाना प्रभारी इसमें पोजीशन इसमें दिया गया है। आप क्या हुआ आज जो हुआ है सर, उससे पहले भी मेरा वाल गिरा है, उससे पहले हम आवेदन दिया उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है, फिर सेकंड में हम आवेदन दिया उसमें भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, आज मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ है, आज हम मरते मरते हम इसमें से बचा है, क्लियर जबकि मेरा इसमें एक ये जो मेरा जो क्लियर जो लिया हुआ है मेरा चाचा से चीटिंग करके, उसमें जो है कि इसमें एक क्या किया है, इसमें हम लोग को क्रिमिनल केस डाला गया है, वाल वो डैमेज कर गया है, उसमें जो पिलर है मेरा छज्जा को हटा करके जो है मेरा जो मिट्टी का वाल है उसमें मिट्टी का वाल में उसको चांच करके उसमें जो है जो मेरा होता है पहले का मिट्टी का वाल होता है कि 4 फीट 2 इंची का, उसमें 4 फीट 2 इंची का में वो 4 फीट अंदर वो डाल दिया है, वाल डाला गया है, तो वाल किसने डाला है? वाल डाला है राम अवध शुक्ला, उसका फादर का नाम है बिजनाथ शुक्ला, उसके घर आपके घर से सटा हुआ है, उसके घर से घर जो है ये चीटिंग से लिया हुआ है, चीटिंग का माध्यम से लिया हुआ है, आज के नहीं पहले भी आवेदन दिया गया था जिसमें वो किन्नर का माध्यम से इसको पोजीशन लिया गया है। हाँ है, क्या देखे यहाँ पर? दीवार इनका गिरा हुआ है, अब बरसात के कारण गिरा के उनके द्वारा कार्य करने में गिरा है, वो जाँच का विषय है और उसके लिए इनको बोले हैं कि थाना में लिख के दीजिए, अगर थाना में कार्रवाई नहीं होती है तो आप कोर्ट में भी केस कर सकते हैं। ये बता रहे पहले भी लोगों ने आवेदन दे रखा है, बता रहे दे रखा है, तो मतलब उस चीज़ की हमको जानकारी नहीं है। आज जब आए हैं तो क्या देख रहे हैं? वही इनका दीवार गिरा हुआ है। अच्छा, तो देख लिए हैं अभी, क्या आगे का क्या लोगों गाइडलाइन दिए हैं? गाइडलाइन का यही थाना में लिख के आवेदन में कार्रवाई होगा, नहीं अगर कार्रवाई होता तो उसके लिए कोर्ट रास्ता खुला हुआ है लास्ट में, तो कोर्ट के शरण में इस पर जाँच भी होगी। हाँ, जाँच भी होगी।